आज के मार्केट का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकता है, हम लोग तीन चीजों पर डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला कि जो ग्लोबल मार्केट है उसका कैसा रिएक्शन है। तो आप जैसा देख रहे हो कि इंडिया में क्या था कि हॉलीडे था, ये लॉन्ग वीकेंड था। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप SGX को देखते हो तो आपको लगता है कि उस तरह का मोमेंटम हमें आज देखने को मिल सकता है, यही जनरली एक परसेप्शन होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें उस परसेप्शन को साथ में रखते हुए अपने OI डेटा को भी देखना है। एक अच्छा सपोर्ट 17,300 पे हमें दिख रहा है, 17,200 पे दिख रहा है। यदि गैप डाउन पॉसिबिलिटीज होती है तो हम लोगों को ये ट्राई करना चाहिए कि वहां से एक हम लॉन्ग पोजीशन को बनाएं, और आज का जो इंट्राडे का जो डेटा बनेगा उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो बाय ऑन डिप हुआ तो हमारे लिए अच्छा है, हम बड़ा प्रॉफिट जा सकते हैं कॉल साइड में। यदि वो सेल ऑन राइज हुआ तो वहां पर अगेन हमें दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मार्केट हर्डल ले रहा है, और वहां से हम लोग जो भी अपसाइड मोमेंटम आएगा उसको हम लोग एज अ सेल ऑन राइज इन कैश करेंगे।